हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। तिल के लड्डू सर्दियों में बनाए जाते हैं, ये हर कोई से बड़े शौक से खाता है। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये तिल के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं तिल के लड्डू बनाने की रेसिपी। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए तिल, पिसी चीनी, एक कटोरी बादाम, पिसे हुए बादाम है ये, और एक चम्मच हमको चाहिए मलाई, अगर ज़रूरत पड़ी तो दो चम्मच भी, और ये है साबुत तिल कोटिंग के लिए। ये दो कप तिल हैं और इसमें उसी कप से ये एक कप चीनी है। और सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे। अब हम तिल भून लेंगे, 5 मिनट तक तिल भून लेंगे। जब आपको लगे कि थोड़ी खुशबू आने लगी है तो आप तिल निकाल लेंगे। ज़्यादा भूनने से तिल कड़वा हो जाएगा, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बस जैसे ही ये थोड़ा गर्म हो जाए और थोड़ी खुशबू आने लगी है, अब मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और जो बचे हुए तिल है उनको भून लूँगी। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। ये गाय का देसी घी है। हुए अपने बादाम जो है उनको भून लेंगे। हमारे घर में ये हमेशा सर्दियों में तिल के लड्डू ज़रूर बनते हैं। मेरी नानी बनाया करती थी और हम अभी भी बनाते हैं इसको। ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए भी। अब बस ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं बादाम, और साथ में हम इसमें डालेंगे अब पिसे हुए तिल। अब हम मिला देंगे इसमें पिसे हुए तिल। इसको धीरे धीरे हल्का चलाते रहेंगे। इसको जो हमारा घी और बादाम का मिश्रण था उसमें अच्छे से मिला देंगे। इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें तिल में काफ़ी घी होता है, अपना ही तेल निकलता है इनका। 5 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। भूनते हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे। कढ़ाई अभी भी गर्म है तो हल्का सा चलाते रहेंगे। उसके बाद इसको एक बर्तन में हम खुले से बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। इसको अच्छे से फैला देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा इसमें तभी हम चीनी ऐड करेंगे, गरम में चीनी ऐड नहीं करेंगे। 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें मिला देंगे पिसी हुई चीनी। अब हम इसको अच्छे से हाथ से मिला देंगे। अब हम मिला देंगे इसमें 2 कप मलाई। ध्यान रहे मलाई ताज़ा लेनी है। अब हम बनाएंगे इसकी, इससे अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, फिर हम बनाएंगे इसके लड्डू। आप चाहें तो इसमें खोआ या बर्फ़ी के कुछ पीस आपके घर पे पड़े हैं, त्यौहार के बचे हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं या मार्केट से भी ला सकते हैं। पर मुझे ये मलाई वाला ज़्यादा आसान लगा तो मैं मलाई डालती हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे लड्डू बनकर तैयार होने लगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारे बन गए हैं, तैयार हो गए हैं लड्डू। इतने मिक्सर से
कम से कम मेरे 30 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें से 2 मैं रख लूँगी ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए, और बाकी का शाम तक किसी चीज़ लड्डू का पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए। इतने टेस्टी होते हैं लड्डू। फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पर, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।